छोटी पता सीधा करना है, पर्चा सीधा करना, पर्चा सीधा करना है। अच्छा क्या बोला है? गैस के कैप्सूल होते हैं। हाँ इस समय हम मौजूद हैं जिला एमएमजी अस्पताल पर, जहां पर प्रदेश सरकार राज्य सरकार ने सीधा डॉक्टरों को निर्देश दिया है कि अब कोई भी दवाई मरीज को बाहर से नहीं दी जाएगी, आवश्यकता है तो ही वो दवाई बाहर से लिखें। ये पर्चा है, मैं दिखाना चाह रहा हूं, 25 तारीख का पर्चा है और ये महिला है जिनका नाम शालिनी, उम्र 23 साल लिखा हुआ है और इन्होंने ये दवाई अभी ली है। ये दवाई आप देख सकते हैं इसी पर्चे पे उल्टी तरफ बहुत छोटे से शब्दों में लिखी हुई है, बहुत छोटे से शब्दों में, और ये दवाई बताई गई है कैल्शियम की। अभी हमने स्टोर प्रबंधक से बात की, विशाल मेडिकल स्टोर से दवाई ली गई है ये। हालांकि स्टोर का इसमें कोई भी लेना देना नहीं होता है, अगर डॉक्टर बाहर से दवाई लिखेगा तो स्टोर देगा, परंतु ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये दवाई। अभी ये वो दवाई है जो कैल्शियम की दवाई बताई जा रही है स्टोर प्रबंधक के द्वारा। भैया ये कैल्शियम की दवाई बताई दी आपने, इससे क्या फ़ायदे होंगे हड्डियों में? मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसमें भी कैल्शियम की शायद दवाई होगी। और ये जब ये दवाई कैल्शियम की है तो फिर ये दवाई का क्या, कितने रुपए लिया आपने इस दवाई, कितने रुपए की सर दवाई है सर? कितने? ये 100 रुपए की 5 गोलियां दी है, जबकि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में कैल्शियम की दवाई मात्र 30 रुपए 25 रुपए में दी जाती है। आपने ली थी दवाई, ये क्या दिक्कत थी आपको? मेरी कमर में दर्द, कमर में दर्द था, तो ये दवाई उन्होंने बोला है दवाई बाहर से लीजिए, ठीक है। तो देख रहे हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा गलत ही कार्य हो रहा है, क्योंकि गरीब व्यक्ति अस्पताल में आता है, लाइनों में लगता है, उसके बावजूद अस्पताल ये बाहर से जिन दवाइयों का हमारा उपयोग नहीं है, महंगी महंगी दवाई लिख के इन लोगों को परेशान करता है। गाजियाबाद से मोहित नाग। तो हमने कह दी ये दवाई है नहीं, हमारे लड़के को खांसी हुई थी। अच्छा। तो हम दवाई लेने को आए थे। अच्छा। तो बाहर से लिख दी, हमारा लड़का दवाई ले रहा है, दांतों की पेस्ट बाहर से लिखे, दांतों की पेस्ट बाहर से लिखे। अच्छा, क्या दिक्कत होती है? दांत खराब है उसके बच्चे से ही। तो देखिए बाहर से बहुत सारी दवाइयाँ लिखी जा रही है, आवांगे गरीब लोग आवांगे, जो मजदूर लोग है 500 रुपए की दवाई इन्होंने लिखी, बच्चों का पेट नहीं भर रहे तो दवाई कहाँ से खाएंगे? देखो ये दवाई ने लिखी थी जो कि एक मल्टी विटामिन है, दिनांक आज है 25, ये 9 नंबर है, ये रजिस्ट्रेशन संख्या है, महिला का नाम है सुमन, आप देख कितना सुषमा नाम है महिला का, इन्हें एक दवाई लिखी डॉक्टर ने लिखी ना, ये डॉक्टर ने बोला था आपसे, ये वो दवाई है, आप देख सकते हैं मल्टी विटामिन है, इसका कोई ब्रांड नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, और इन्हें दवाई दी कितने की दी? 60 रुपए की दवाई दी। आप देख सकते हैं ये जिला एमएमएमजी अस्पताल गाजियाबाद का पर्चा है। इस समय मैं इन महिला को यहाँ पे जन औषधि केंद्र पे लेके आया हूँ। सर ये जो गोली है, ये मैडम ये गोली किस चीज की दवाई है? ये मल्टीविटामिन है। यहाँ जन औषधि केंद्र में कितने का है दवाई पत्ता? ये 10 रुपए का। ये देखिए 30 रुपए का पत्ता है और ये डॉक्टर लोग इन्हें बाहर से लिख रहे हैं, और ये कितने का दिया बहन जी आपको? 60 रुपए का पत्ता। ये गरीब लोग कहाँ जा रहे हैं, देखते हैं गाजियाबाद प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है। अच्छा क्या क्या बोला है? नहीं कह रहे हैं दो गोली बाहर से ले लो दवा। बाहर से कौन सी वाली? यहाँ निशान लग रहे हैं, ये लग रहे हैं। अच्छा, ये दोनों दवाई आपकी भी बाहर से लिखी है? नहीं, उसकी हमारे भैया के हाथ पे लग गई चोट, हड्डी टूट गई, तो डॉक्टर बैठे ना। अच्छा, अभी डॉक्टर बैठे ना। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आराधना है। आराधना जी, अस्पताल जिला एमएमजी अस्पताल में आए थे, क्या दिक्कत आ रही है? हम यहाँ पे आए थे दवा लेने के लिए। अच्छा, और जो है पर्ची वगैरह तो काटी है, लेकिन हमें चेक नहीं किया, मतलब देख के हमें दवा नहीं दी। दवाई भी बाहर से लिख रहे हैं? दवा हाँ, सारे दवा बाहर से लिख रहे हैं। जैसा कि उप मुख्यमंत्री आदेश कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने कि दवाइयाँ बाहर से नहीं लेनी, अगर जरूरत है तो ही दवाइयाँ बाहर से ले, वरना अंदर से ही दवाइयाँ लेनी, तो उसके बावजूद दवाइयाँ बाहर से मिलती हैं। हाँ जी, मैं अभी दो बार डॉक्टर के पास गई हूँ, उन्होंने ये दवाइयाँ फिर से लिखी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीता है। अच्छा, रहने वाली। पर्चा दिखाइए आपने, पर्चा जी। मगर दवाई जो दे रहे हैं उनका एक बिहेवियर भी ठीक नहीं है देने में। अच्छा, दवाई फेंक के मारते हैं, दोबारा जाते हैं, जी है ही नहीं, यहाँ खत्म है, जाकर डॉक्टर से कह दो जी है ही नहीं दवाई।
अच्छा डॉक्टर कहते हैं दवाई है जाके ले लो, दोबारा भी लिखते हैं तो। अच्छा अभी जैसा कि हमने भी पता करा यहाँ पे अंदर दवाइयाँ हैं और ये मना कर रहे थे डॉक्टर। मैं अभी गई हूँ दोबारा से, डॉक्टर ने लिए यहीं से मिलेगी दवाई ले लो। अच्छा मगर जो दवाई वाले ने गैर पर्चा फेंक दिया, यहाँ नहीं है दवाई, ले लो खत्म हो गई। अच्छा महिला के साथ भी इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? हाँ, मैं दिखा देती हूँ उनके साथ जिन्होंने मुझसे कहा है। कैसे कुछ चल रही हूँ। अच्छा नहीं यहाँ पे दवाई जाके दे दो डॉक्टर से। अच्छा मिस बिहेव। यस। आप देख सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण की उत्तर प्रदेश सरकार बात करती है लेकिन महिला के साथ इस तरह की जो दुर्व्यवहार है वो कहीं भी निंदनीय है। आप चल सकते हैं साथ? हाँ चल रही हूँ, चलो जो मेरे से कहा गया। आप देख सकते हैं हम महिला के साथ जा रहे हैं। ये पर्चा है मैं दिखाना चाह रहा हूँ, 25 तारीख का पर्चा है और ये महिला है जिनका नाम शालिनी उम्र 23 साल लिखा हुआ है और इन्होंने ये एक दवाई अभी ली है। ये दवाई आप देख सकते हैं इसी पर्चे पे उल्टी तरफ बहुत छोटे से शब्दों में लिखी हुई है, बहुत छोटे से शब्दों में, और ये दवाई बताई गई है कैल्शियम की। अभी हमने स्टोर प्रबंधक से बात की, विशाल मेडिकल स्टोर से दवाई ली गई है ये। हालांकि स्टोर का इसमें कोई भी लेना देना नहीं होता है, अगर डॉक्टर बाहर से दवाई लिखेगा तो स्टोर देगा, परंतु ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये दवाई अभी। ये वो दवाई है जो कैल्शियम की दवाई बताई जा रही है स्टोर प्रबंधक के द्वारा। भैया ये कैल्शियम की दवाई बताई दी आपने, इससे क्या फ़ायदे होंगे हड्डियों में? मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसमें भी कैल्शियम की शायद दवाई होगी। और ये जब ये दवाई कैल्शियम की है तो फिर ये दवाई का क्या, कितने रुपए लिया आपने इस दवाई, कितने रुपए की सर दवाई है सर? कितने? ये 100 रुपए की 5 गोलियां दी है, जबकि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में कैल्शियम की दवाई मात्र 30 रुपए 25 रुपए में दी जाती है। आपने ली थी दवाई, ये क्या दिक्कत थी आपको? मेरी कमर में दर्द, कमर में दर्द था, तो ये दवाई उन्होंने बोला है दवाई बाहर से लीजिए, ठीक है। तो देख रहे हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा गलत ही कार्य हो रहा है क्योंकि गरीब व्यक्ति अस्पताल में आता है, लाइनों में लगता है, उसके बावजूद अस्पताल ये बाहर से जिन दवाइयों का हमारा उपयोग नहीं है, महंगी महंगी दवाई लिख के इन लोगों को परेशान करता है। गाजियाबाद से मोहित नागर की रिपोर्ट, कैमरामैन प्रीतम के साथ पब्लिक न्यूज आज तक, धन्यवाद। इस समय हम मौजूद हैं गाजियाबाद के जिला MMG अस्पताल पर, जहां पर अभी कुछ दिन पहले उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक जी ने कार्रवाई की थी। यहां पर एक वीडियो ठेले पर जाती हुई महिला का वायरल हुआ जिसके बाद उप मुख्यमंत्री ने उन लोगों को सेवा से निकाल दिया। लेकिन देखी कि यहां पर किन किन चीज़ों में खामियाँ हैं। यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि सारी दवाइयाँ लगभग बाहर से लिखी जा रही थी जो कि हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। उसके बाद हमने कुछ लोगों से बात की तो देखा कि साफ तौर पर कैमरे के सामने ना आने की शर्त पर यहाँ कुछ लोगों ने बताया कि अस्पताल के अंदर लोकल कंपनी के MR बैठे हुए हैं जो दवाइयाँ यहाँ पे निर्यात करते हैं और वह दवाई उनको लिखवाने का प्रेशर बनाते हैं। तो सोचने वाली बात ये होगी क्या जिला अस्पताल उन दवाइयों के दबाव में लेकर काम कर रहा है और लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल रहा है, जबकि उप प्रधानमंत्री ने लोगों की सुविधाओं के लिए जन औषधि केंद्र भी खोला हुआ है जिसके बावजूद भी है कि यहाँ से दवाइयाँ मत लीजिए बेकार देता है। क्या सरकार अच्छी है लेकिन सरकार के अस्पताल बेकार हैं? सोचने वाली बात यह होगी कि लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक दवाई की कीमत 8 रुपये और उसी दवाई की कीमत प्राइवेट में 100 रुपये दी जा रही है। तो देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस पर क्या कार्रवाई लेती है। गाजियाबाद से जिला MMG अस्पताल से मोहित नागर की रिपोर्ट, कैमरामैन प्रीतम महाराजा के साथ, धन्यवाद।